हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वॉचिंग CBL केतन भारत लर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताएं कैसे हैं आप सब? ऑल वेल, मजे में हैं? ग्रेट। तो सर, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कशन करेंगे अपने क्लैट के क्वांट का जो पेपर आपका आया था। एग्जैक्टली पेपर वैसे एक ही आता है, जो क्वांट का जो आपका पोर्शन था वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज आपका डिस्कस करेंगे सारा का सारा, और डिस्कशन होगी सर कब की? 2021 के एग्जाम की। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास थे, उनका डिस्कशन हम लोग करते हुए चलते हैं। सो रेडी, आइए लेट अस स्टार्ट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, टू रेनॉन्ड इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज नेमली पोलारिस एंड कॉन्टिजेंट स्टार्टेड देयर बिजनेस इन ईयर 2007। ये लो सर, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। एंड बोथ द कंपनीज वर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर इन प्रॉफिट मेकिंग। Polaris earned 30% profit, ये इकट्ठा ही है profit, in the year 2007 and 2008, ठीक है, and further increased it to 40% in 2009. तो descriptive है, अपना ध्यान से पढ़ते हुए चलें कि पहले किसके बारे में जिक्र हो रहा है, Polaris के बारे में। उसके बाद है, however, its profit percentage decreased to 20% in the year 2010, perfect. On the other hand, अब किसकी बारी आई? Contingent की। Opened with 40% profit in 2007, but slowly decreased to 35% in 2008 and 30% in 2009. Interestingly, both the companies increased their profit percentage in the later year considerably. ठीक है. Polaris increased its profit percentage to 35% in 2011 and 50% in 2012. चलो सर, 35 in 2011. 50% in 2012. सर पहले मैं लिखूंगा एक बार, फिर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। साइमल्टेनियसली कॉन्टिजेंट इंक्रीज्ड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज टू 45% इन 2010, 50% इन 2011 एंड इट रीच्ड 60% इन द ईयर 2012, एज देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द कंपनीज इन द फ्यूचर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए मैं लिख लेता हूँ जो जो मुझे गिवन था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम बाद में कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो दो कंपनीज हैं उनके लिए वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूँ। लेट इज नॉट पी पोलारिस के लिए और सी आपका कॉन्टिजेंट के लिए। इसमें वैल्यूज हैं आपकी 2007 से लेकर 12 तक। 12 तक ये ना, 12 तक है। 2007 या आपका आ गया 2008, 2009, 2010, then 2011 and then at last 2012. Initially इन्होंने कहा था कि जो Polaris है वो initially कितना था? 30% था। बाद में 2008 में चला गया था, again 30%। अपना match करते रहे, आपके पास अगर question paper है तो, ठीक है, otherwise मैंने actually लिखा हुआ है, that is why I'm doing this. Okay, in 2009 it was 40%, 2010 में चला गया था ये 20, then 2011 में it was 35 and then 2012 में 50. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वैल्यूज मैंने इकट्ठी ही लिख दी है, एक बार मैच कर लो। फिलहाल Polaris earned 30% इन द ईयर 2007 and 8, दोनों में ही Polaris का कितना प्रॉफिट था? 30%। तो सर मैंने यहाँ पे वही लिखा है, 7 और 8 में दोनों में 30-30 था, वो मैंने लिखा हुआ। ये कंपनीज के नेम यहाँ पे मैंशन है, Polaris और कॉन्टिजेंट के, ठीक है। सो यू शुड मैच दीज वैल्यूज एज वेल। सिमिलरली लेट अस टॉक अबाउट कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट में पहले में था आपका 40, then it goes to 35, increase decrease please अपना match करते रहना, then we have 30, then it was 45, then 50 and at last it was 60, ठीक है सर। कुछ नहीं किया मैंने नया, जो values थी उनको बस update put किया है respective years के सामने। now let us see the question. question is, what is the increase in profit of contingent company in the percentage year from 2011 to 2012? चलो चेक करिए, कॉन्टिजेंट की बात कर रहा है, ये रहा यहाँ पर, और 2011 से 2012 की बात कर रहा है। आ जाओ सर, कॉन्टिजेंट कहाँ पर है? ये रहा 2011 वाला, ये रहा 2012 वाला, ये रहा। किसकी बात की? परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं सर। चेंज कितना है? चेंज आपका है 10। बेस वैल्यू कितनी है? बेस वैल्यू 50 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 100। लेट अस कट इट आउट, 50 दुनी 100, 10 दुनी 20, दिस इज द आंसर, 20% बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूं क्योंकि जस्ट दिस इज जस्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एग्जैक्टली जो आंसर्स है वो क्या है।
जब हम इसके सेशन के बारे में एग्जैक्टली डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज एंड ऑल, अभी बेसिक ही मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि हमें चेंज इन इंक्रीज इन प्रॉफिट अगर निकालना है, सो जो बेसिक वैल्यू चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. सो फर्स्ट का आपका जो आंसर आएगा दैट इज 20%. हियर इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पोलैरिस कंपनी इन 2011 एंड 2012. पोलैरिस की बात कर रहा है, कब कब की बात कर रहे हैं, पीछे चले जाओ एक बार. ये रहा 2011 और 12 में पोलैरिस का, ये रहा 2011 और 12 में पोलैरिस है, कहां पर है, ये रहा 35 और 50. ये हमारे पास रिस्पेक्टिव वैल्यूज है. आप यहां पे देखो, क्वेश्चन मेरे पास है, मैं पढ़ता हूं. आगे उन्होंने क्या बोला, इज द टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कंपनी इन 2007 एंड 2008. सात और आठ कहां पर है, ये रहा, ये रहा कॉन्टिजेंट, ये रहा पोलैरिस. हैव अ लुक, प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पोलैरिस कंपनी इन 2011 एंड 12 टू द इज द टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कंपनी इन 2007 एंड 8. तो सर ये रहा आपका 7 8 का लगा दिया मैंने यहां पे, और ये आपका 2011 12 का 35 50. टोटल वैल्यूज निकालनी है, उसके भी यहां पे परसेंटेज की बात कर रहा है. ये रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, सो लेट अस टेक इट आउट. इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 35 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 85. इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 40 और 35, ये आपका हो जाएगा 75, ठीक है. और इसमें इसने कहा है इनिशियल वैल्यू है पोलैरिस की और फाइनल वैल्यू है आपकी कॉन्टिजेंट की. सो सिंपल, वी विल बी टेकिंग पोलैरिस ओवर कॉन्टिजेंट मल्टीप्लाई बाय 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, दैट इज योर 85, डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज कॉन्टिजेंट, दैट इज 75, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100. इसे कर दो सॉल्व 25 से, 25 3 75, 25 4 100, इसे 3 से कट कर देना, तो ये वैल्यू जो आपकी बनेगी लगभग ऑलमोस्ट 113.3%. वेयर इज दैट, ये रहा 113.3% आफ्टर सॉल्विंग दैट वैल्यू. क्लियर है सर, ओके. नेक्स्ट वन, सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट है आपका, इफ द इनकम ऑफ कॉन्टिजेंट कंपनी इन 2008 वॉज रुपीज 200 crores. कॉन्टिजेंट कंपनी की जो इनकम है 2008 में वो हमें 200 करोड़ गिवन है. व्हाट वॉज इट्स प्रॉफिट इन 2009? चलो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, फिर आ जाओ इधर, आ जाओ पीछे. 2008 में बोल रहे हैं सर कॉन्टिजेंट की, ये रहा कॉन्टिजेंट 2008 में, इसकी बात चल रही है 2008, ये रहा आपका कॉन्टिजेंट की कहानी. ये तो आपको परसेंटेज गिवन है, गेटिंग इट ना. और हमें ये कहा गया कि 2008 में जो इनकम है वो 200 करोड़ थी. व्हाट वॉज इट्स प्रॉफिट इन द ईयर 2009 में इसका प्रॉफिट क्या होगा, कैन वी फाइंड इट आउट? वी कैन नॉट फाइंड इट आउट, क्योंकि इन्होंने इनिशियल वैल्यू दे दी हमारे पास. ये जिक्र कर रहा है 2008 का, जिसकी इनकम हमें दे दी, और पूछ किसके बारे में रहा है, 2009 के बारे में, कि उसका प्रॉफिट क्या होगा. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस, वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस, इसके लिए वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी विद द हाईएस्ट एनुअल एवरेज, हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज एंड दैट ऑफ द कंपनी विद लोवेस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज. चलो लिख देते हैं, पहले पोलैरिस का मैं चेक करता हूँ. पोलैरिस का अगर आप सम करेंगे ना किस किस वैल्यू का, हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट, तो कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालते हैं सर? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो वैल्यू क्या थी, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, जो पोलैरिस की थी वो था 30, then you have 40, then you have 20, then 35, and lastly we had 50. अगर इसे प्लस करेंगे 30, 60, 40, 100, 120, 150, ये आ गया 205 आपका, 205 ये वैल्यू आएगी. उसके बाद आपका है सी का, अच्छा इसने पूछा है, हाँ ठीक है, अब आ जाओ सी वाले के पास. ये पोलैरिस की वैल्यू है, कॉन्टिजेंट की है, उनका भी सम कर दो क्योंकि एनुअल की ही बात कर रहा है. व्हाट आर द वैल्यूज, वैल्यूज आर 40, देन 35, then you are 30, we have 45, 50 and 60, then we have 60. Plus कर दो, 5, 5, 10, 0, carry 1, 4, 1, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 5, 20 और 6, 26, 260. तो सर जो आपका पोलैरिस है उसकी टोटल वैल्यू ये रही 205, आपका जो कॉन्टिजेंट है उसकी टोटल वैल्यू ये रही 260, and they are talking about the average. How to find out average? Average निकालने के लिए
सम हमने कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लिख दो। पोलेरिस के लिए बात करते हैं, दिस विल बी 205/6, टोटल वैल्यूज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, डन। सिमिलरली फॉर कॉन्टिजेंट वी हैव 260 अपॉन आपकी वैल्यू 6, ठीक है सर। आप इसलिए है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस किसने बात की है बिटवीन बोथ द वैल्यूज, तो डिफरेंस निकाल दीजिए सर। कैसे निकालेंगे, 260 अपॉन 6 माइनस 205 अपॉन 6, कितनी वैल्यू आएगी, 207 में 205 गए, आपका आ गया 55, 55/6, इसे निकाल दो डेसिमल में, 6, 8, 48, 6, 9, 54, 9.17 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। दिस इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ पोलारिस कंपनी फ्रॉम 2010 टू 2011। पोलारिस 2010, 2007, 8, 9, 10, 2011, ये रहा 2011 आपका, 2010, 2011 परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा है, तो सर कितना चेंज है आपका, 20 से 35, हाउ मच इंक्रीज इज देयर, 15 का, और बेस वैल्यू कितनी है 20, तो 15/20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 पंजे 100, 15/5 = 75। लेट अस चेक द एनी ऑप्शन, यस हियर इज द ऑप्शन 75, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, क्या कहता है, अ न्यूली फॉर्मड स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग मोर डेवलपमेंट इन द स्टेट, देयरफॉर द गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू लॉन्च वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स, बिफोर ब्रिंगिंग अप एनी वेलफेयर प्रोग्राम द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंडेड टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द स्टेट बाई एज ग्रुप्स। अभी तो कहानी चल रही है, कोई आंकड़ा अभी तक आया नहीं है सामने। So that the government could plan the welfare programs, the state government, accordingly, the state government found that the state's 30% of the population were children between the age of 0 to 15. 0 से 15 के बीच में कितना population 30% है? Question 1 के सामने लिख लेते हैं. Children है 0 से 15 और कितना है हमारे पास ये 30%, ठीक है, 0 से 15 30%, डन। Next to child population, 17.75% of the population were adolescents between the age group of 16 to 25. 16 से 25 में कितना है? 17.75. 16 से 25. 16 to 25, 17.75%. ठीक है सर. What is third one? The early adult population, that is the age group 26 to 35, were 17.25. 17.25. एज ग्रुप इज 26 टू कितना दिया हुआ है, 35 है, कितना है 45 है, 35 ही है, चलो 36 टू 45 अगला है, नेक्स्ट इज 36 टू 45 वर 14.50%, 14.50%, उसके बाद है सर आपका द पॉपुलेशन हु आर बिटवीन द एज ग्रुप 46 टू 55, नेक्स्ट आपके जो इंटरवल है 46 टू 55 कितनी वैल्यू है, दैट इज 14.25%, सो दिस इज 14.25%। फर्दर वी हैव एंड एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट दैट इज 56 to 65, जो सबसे बुजुर्ग हैं वो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, इस इंटरवल में लाइक करते हैं, एंड दैट इज 56 to 65, एंड व्हाट इज द परसेंटेज गिवन टू अस, 5.12%। चलो भाई आगे, 5.12%, एंड 66 above की वैल्यू कितनी है, जो 66 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 1.13%, 1.13%। अगर मैच कर लेते हैं जो वैल्यूज हमारे पास है, 0 से 15 में 30% है, 16 से 25 में 17.75% है, फिर 17.25, 26 से 35 में, 36 से 45 में 14.50, एंड 46 टू 55 14.25, 56 से 65, 5.12, 66 + 1.13। We checked it out कि भाई हमारे पास कोई चेंज तो यहाँ पे नहीं आया है, कहीं कोई गलती से कोई डिफरेंट वैल्यू हमने पुट कर दी हो, ठीक है। To get a better clarity, the state government concerned is seeking the answers to the following questions. Perfect. Out of every 5600 persons, हर 5600 बंदों में से, what is the number of persons below the age of 26 years? 26 से कम कितने हैं भाई? 26 ईयर, इससे कम वाले कौन से होंगे, ये दोनों ही हम लोग काउंट करेंगे।
ठीक है, और इन्होंने सिर्फ वैल्यू कितनी पूछी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन में प्लस कर दो, कितना है आपका ये 30 प्लस 47.75, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ क्या 47.75 मेरा आंसर होना चाहिए या कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू गिवन है आपको एंड द वैल्यू इज के एवरी 5600 पर्सन में से बात कर रहा है कि हर 5600 में से व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 26 इयर्स। सर टोटल वैल्यू कितनी है 5600, और कितनी वैल्यू आपने निकाल दी, टोटल कितना बना 47.75 और डिवाइडेड बाय 100, इसे कर दो सॉल्व। ठीक है, इसे करने के बाद ये आपका आ जाएगा आंसर, दिस विल बी अराउंड 2674, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट। डन, पता कॉन्सेप्ट पता लग गया हाउ वी डिड? चलो इसे ध्यान में रखेंगे यार, इसको मुझे देखते हुए चलना है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देयर आर 400 मिलियन पीपल, पढ़ो, देयर आर 400 मिलियन पीपल बिलो 36 इयर्स, टोटल नंबर आपको गिवन है बिलो 36 इयर्स, तो 36 साल से पहले में कितनी वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 400 मिलियन। ठीक है, दिस इज गिवन टू मी। आफ्टर दैट हाउ मेनी मिलियन approximately people are in the age group of 56 to 65, 56 से लेकर 65 तक। इन्होंने पहले तो ये कहा, इन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा वो तो इस एज ग्रुप का पूछा है, और जो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये बोल दिया कि इस एज ग्रुप, ये जो 36 इयर्स से कम वाले जो बंदे हैं उनका नंबर मुझे दीजिए 400 मिलियन है। मैं चेक कर लूं, एक पॉइंट चेक कर लूं कि परसेंटेज में कितना है वो 36 से कम वाले सर, ये सारे हैं, ये तीनों हैं, ये तीनों 36 से कम है, क्योंकि ये जो आंकड़ा आएगा इसके बाद वाला, दिस इज द कैटेगरी ऑफ 36 to 45। सो इससे अगर मैं प्रीवियस वैल्यूज की बात करूं, ये सारी के सारी कहां लाई करती हैं, बिलो 36 में। सो 30 plus 17 plus 17.25 या 75 भी 30 40 50 57 64 और एक 65, कितनी वैल्यू आ गई 65। सो सर इसके लिए आपके पास वैल्यू आ गई 65। आप इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो क्वेश्चन, इसलिए आप इसे एक्स भी लेके चल सकते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, आप ऐसे भी काउंट इसे कर सकते हैं। अच्छा आगे चल भाई। सो टोटल वैल्यू मेरे पास ये दी है, तो आई कैन राइट इट एज 400x, इजंट इट? सो दिस शुड बी इक्वल टू 65, इसके इक्वल में काउंट कर सकता हूँ। वैल्यू निकालने किस चीज के लिए है, ये निकालना है सर आपको हाउ मेनी मिलियन पीपल आर इन द एज ग्रुप फॉर 56 to 65। पहले वैल्यूज चेक कर ले, परसेंटेज की टर्म में कितनी हमें गिवन है, 56 से 65, ये रहा 5.12%, साफ साफ दिया हुआ 56 से 65 5.12%। अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो गया कि आपको इस पॉइंट के लिए, इस कैटेगरी के लिए परसेंटेज 65 है, एक्स के 400x जो टोटल वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है वो इसके इक्वल इक्वेट कर सकता हूँ, और जो वैल्यू है फॉर द 56 to 65 दैट इज 5.12%, 5.12%। इसके लिए सॉल्व कर दो सर, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, बताओ इसमें क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कर दो सॉल्व, कितना आएगा, दिस विल बी 400। अच्छा ये एक्स यहाँ नहीं है, गलती से यहाँ लिख दिया, ये यहाँ करना है, मैं इसकी बात कर रहा था ना कि परसेंटेज को हम लोग एक्स की टर्म में पुट ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ एक्स नहीं आएगा, आई रोट इट बाई मिस्टेक, तो 400 is equal to 65x, एक्स की वैल्यू निकाल दो, 400 upon 65 multiply by 5.12। अब तो सॉल्व कर सकते हो इसे आसानी से, 13 5 65 लगभग 31.50 मिलियन के आसपास ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलें आगे। चलो एक सेकेंड, वैल्यू डन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज करियर इट प्लीज, इफ देर आर 20 मिलियन पीपल इन द एज ग्रुप 56 to 65, सेम है लगभग अब तक यहाँ का, तो वैल्यूज हमें जो लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी उसके रिलेटेबल ही यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ अब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो वैल्यूज मुझसे पूछ रही थी कि कितने मिलियन पीपल होंगे जो 56 से 65 के इंटरवल में लाए करेंगे, बट यहाँ पर डिफरेंस पूछ लिया, डिफरेंस किसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 16 to 25 एंड 46 to 55।
चलो 20 मिलियन वाला एक बार चेक कर लेते हैं, जो वैल्यू आपकी 20 मिलियन है वो इस एज ग्रुप में है कितनी, 56 से 65। अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये आपका आएगा 5.12। अभी हमने पीछे किया भी था, यहाँ पे हम एक्स लगा देंगे, जो भी बात हम लोग कर ही रहे थे। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप्स 16 to 25। तो 16 से 25 में आप सर चेक करेंगे तो वो जो वैल्यू है आपकी दैट इज 17.75। चेक करिएगा प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, एक्सक्यूज मी, 46 to 55, इसमें वैल्यू कितनी है, दैट इज 14.25। कर दो इसे डिफरेंस निकाल दो, 0 7 में 2 गया 5 0 7 में 4 गया 3, 3.5 ये मेरे पास वैल्यू आ गई। डिफरेंस निकाल दिया 3.5 का। अब निकालना मुझे क्या है, बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 16 to 25 एंड 46 to 55। निकाल दो सिर्फ एक्स, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 20 upon 5.12 multiplied by 3.50। इसे कर दो सॉल्व, मल्टीप्लाई तो करना है, इसे निकाल दो कितनी वैल्यू आएगी, लगभग लगभग आपकी जैसे मिल गया बी के आस 12 मिलियन के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, राइट। इसे कर लेना सॉल्व, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप्स 46 to 55 एंड 26 to 35 इज 15.75 मिलियन। पिछले वाले में डिफरेंस हमें निकालना पड़ा था, लेकिन अब की बार डिफरेंस गिवन है, दैट इज 15.75 मिलियन। तो 46 to 55 वाली वैल्यू ये वाला माइनस 26 to 35 वाली वैल्यू, इनका डिफरेंस कितना गिवन है, 15.75 मिलियन। Then total population of the state is approximately, total population निकालनी है सर, बताओ आपने इनका डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी हमें पता है क्या, वो हमें उनकी टोटल वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज के बिहाफ पे टोटल वैल्यूज नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं 46 से 55 की जो वैल्यूज है वो है 14.25, एक्स लगा दूं साथ में। 26 से 35 में जो है वो है सर आपका 17.25x, राइट। इन्हें कर दो एज पर आवर कैलकुलेशन, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 3x की वैल्यू आएगी। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वो ये कि सर हमें तो डिफरेंस गिवन है और आपने यहां पे डिफरेंस निकाल दिया टोटल वैल्यू निकालने के लिए कि दोनों के अंदर टोटल वैल्यूज है कितनी, इंडिविजुअल निकाल के टोटल आप निकाल रहे हो। यहां पे टोटल से रिलेशन किस चीज का है, एडिशन से नहीं है, रीजन बिहाइंड क्योंकि आपको डिफरेंस ही गिवन है, तो आप ओरिजिनल डिफरेंस को जो कि परसेंटेज में गिवन है, यू हैव टू पुट दैट इन फ्रंट ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ योर गिवन वैल्यू, दैट इज 15.75 मिलियन, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया, 3x, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 15.75 मिलियन। तो कर दो इसको सॉल्व, 3 वहां पे जाके डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 5.25, मतलब ये आपकी वैल्यू आएगी 525 मिलियन। समझ गए, आफ्टर डिवाइडिंग दिस, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ से, 3x इज इक्वल टू 15.75, x को निकाल दो, 3 वहां जाके आपका डिवाइड में आएगा, आई हैव टू डिवाइड दिस जस्ट, परफेक्ट। चलिए सर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एज ग्रुप अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द स्टेट। हमसे पूछा गया कि इनमें से जो आपके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट के अंदर कितनी है, चलो चेक करते हैं एक बार, पीछे चलते हैं, मेरे दोबारा मुझे सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, चेक कर लेता हूँ सर। मैक्सिमम पॉपुलेशन है यहाँ पे 1.13%, 5, 14, 14, 17, 17 ये वाली है 30%, तो कौन सा एज ग्रुप है, 0 से 15 वाला एज ग्रुप है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें 0 से 15 हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, दिस इज द आंसर। अभी आंसर की तो ए शो कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ द अबव ही होना चाहिए, क्योंकि सर 16 से 25 में जो वैल्यू है आपकी वो तो लाए ही नहीं कर रही है। आपने पूछा है विच एज ग्रुप अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द स्टेट, स्टेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन किस कैटेगरी में लाए करती है, किस एज ग्रुप में लाए करती है। सो आपके पास जो एज ग्रुप्स हैं वो है श्रीमान ये वाले, 0 से 15 के एज ग्रुप में 30% आपके पीपल हैं, बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। सो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द राइट आंसर, 0 से 15 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास ये कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपके जो आंसर की है उसमें तो आया हुआ है सर आपका ए, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, राइट सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड के ऊपर है ये आपका,
रीड करिए. कोविड 19 पैंडेमिक टर्न्ड लाइफ अपसाइड डाउन फॉर मेनी फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड. वी नो इट वेरी वेल. मिस्टर अभिषेक वॉज वर्किंग एज अ सेल एग्जीक्यूटिव इन अ फेमस मार्केटिंग कंपनी. ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक लॉकडाउन एंड रेस्ट्रिक्शंस, मिस्टर अभिषेक वॉज नॉट एबल टू अचीव हिज मंथली टारगेट्स विच रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ हिज सैलरी. उसकी सैलरी काट ली गई. सो फार He spent his income lavishly without any planning and prior calculations. However, the prevailing situation compelled him to plan his expenditure to adjust his life to the present income. Therefore, he analyzed his spending of the last year, that is 2019, so that he can plan his present year 2020. उसने एनालाइज किया कि 2019 में जो खर्चे हुए, जो इनकम हुआ क्या था, ताकि वो अपने 2020 को अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सके, उसे प्लान कर सके 2019 को एनालाइज करके. क्या है आगे. थ्रू हिज ब्रीफ एनालिसिस ही फाउंड दैट इन द ईयर 2019 ही स्पेंट 23% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड. ठीक है, यहां लिख देते हैं फूड के ऊपर कितना किया. फूड पे किया 23%. परफेक्ट. 15% ऑन हाउसिंग. 15% हाउसिंग पे किया गया. सर ये लीजिए हाउसिंग पर 15%. आफ्टर दैट 12% ऑन चाइल्ड एजुकेशन. एजुकेशन पर कितना है 12%. फॉर हिज ट्रांसपोर्ट ही स्पेंट 10%. 10% ऑन ट्रांसपोर्ट. डन. एंड फॉर क्लोथिंग ऑफ हिज फैमिली ही स्पेंट 10%. अगेन क्लोथिंग पर भी 10% ही है. ये लो सर क्लोथिंग पर भी आपका 10% ही है. इन द मीन वाइल मिस्टर अभिषेक ऑल्सो सेव्ड 15%. तो ये उसकी सेविंग है. सेविंग कितना बोल रहा है. ही सेव्ड 15% ऑफ हिज इनकम इन द ईयर 2019 एंड द रिमेनिंग 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर. रिमेनिंग 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर ही केप्ट एज अदर स्पेंडिंग्स. तो अदर स्पेंडिंग में कितना है 20% की बात कर रहे हैं. Answer the following questions to provide deeper insight to Mr. Abhishek. Chaliye, let us check it out what it says. If the total spent, ab maine yahan pe values likhi hui hai. Kya bola gaya? If the total amount spent during the year 2019 was 56,000. Total itna amount jo hai spent kiya gaya 56,000. What was the amount spent on food? To food pe kitna tha? तो फूड पे चेक कर लो भाई कितना परसेंट बोला हुआ है. फूड पे कितना है 23%. तो निकाल दो 56,000 का 23% मतलब 100. इसे कट कर देना. ये लगभग लगभग आपका इसके आसपास आएगा मतलब 12,880. दिस इज द राइट ऑप्शन. राइट. चलिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट वो 56,000. ये लो सर टोटल अमाउंट कितना बोल रहे हैं आप 56,000. उसके बाद हाउ मच मनी वॉज स्पेंड ऑन क्लोदिंग एंड हाउसिंग टूगेदर. क्लोदिंग और हाउसिंग दोनों को मिला के. क्लोदिंग में कितना था 10 था. हाउसिंग में कितना था 15 था. तो 56,000 का इतना परसेंट कितना हो जाएगा सर. ये 56,000 मल्टीप्लाई बाय 15 और 10 25 बाय आपका 100. दो जीरो से आपकी दो जीरो चली गई. 25 26 लगभग 14,000 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी. राइट सर. सो दिस वॉज ईजियर. इसमें कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर. तो अगले पे चलते हैं. What was the ratio of the total income of money spent on housing? Housing पे कितना spend किया है? Ratio to the spent on to that spent on education. तो housing पे कितना है सर 15. Education पे कितना है 12. 3 से कट कर दो 3 5 15 3 4 12 5:4. This is the right answer. Right? Pretty easy. Next, if the total expenditure of the family for the year 2019 was 56,000, same चल रहा है ये तो 56,000. What was the amount saved by the family during the year? What was the saving? 15%. तो multiply by 15 और divided by 100. 1 2 1 2 0 0 15 6 90 0 9 15 पंजे 75 और 10 85 में से गया 84. तो कितना आ गया 8400. A is the right option 8400. ठीक है सर. लास्ट इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द
year 2019 was 56000. The amount spent on the other spendings and clothing together, इन दोनों को मिला के spent on other spendings and clothing. अब है कितना, पीछे जाना पड़ेगा मुझे, पहले यहीं से देख लेता हूँ. अदर स्पेंडिंग पे सर आपका 12 है, 12 नहीं है, 20 है, सॉरी 20% है. और क्लोथिंग पे आपका कितना है, दैट वॉज 10%. इनको दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने टुगेदर करने के लिए कहा है, तो ये वैल्यू कितनी बनी, 30%. सो इट वॉज हायर देन. तो ये जो वैल्यू है ये किस किस से हायर थी, तो चेक करो एक बार. तो उसका चेक करते हैं. तो इन दोनों का जो एडिशन 30% हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसने ये पूछा है टुगेदर वॉज हायर देन, ये इनमें से किससे ज्यादा है. तो सर अब हम जब ऐड करेंगे तो हाउसिंग एंड चाइल्ड एजुकेशन से ज्यादा है, दोनों की वैल्यूज को प्लस करेंगे तो यही एक वैल्यू थी जो इससे कम है, बाकी सब इससे ज्यादा है. बट दिस इज हायर देन हाउस एंड चाइल्ड एजुकेशन, राइट. ये तो आसान सा था, बस इसकी वैल्यू को, हाउसिंग वाली को और चाइल्ड एजुकेशन को प्लस करना है. हाउसिंग कितना है आपका 15% और एजुकेशन 12%, 15 और 12 27. तो सर 27 कम है, 30 से बाकी ज्यादा ही है. सो दिस इज हाउस एंड चाइल्ड एजुकेशन, दिस इज द राइट आंसर, राइट सर. आई थिंक दिस वॉज द लास्ट वन, यस दिस वॉज द लास्ट वन. तो फिलहाल इतना ही. आई पुट माय पॉइंट्स, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन से आंसर्स होने चाहिए, दैट आई हैव मेंशनड हियर. सो फिलहाल के लिए इतना ही. आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे. सो टिल द टाइम इतना ही, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर.